तो अब आप फाइनली सेंटर पर आ चुके हैं, आपने तैयारियां देख ली हैं। एनटीए ने बहुत सारी चीज़ों का वादा किया था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, मास्क ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या आपको लग रहा है जितनी चीज़ें बोली गई थी वो सब एक इस सेंटर पे फॉलो हो रही हैं यहाँ पे? अब तो जब अंदर जाएंगे तभी पता लगेगा, अभी तो हम आई हैं जस्ट अभी। और बाहर से अगर देखें आप तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की भीड़ है, अगर मेरे पीछे देखेंगे तो। क्या ये आपको लगता है एनटीए की तरफ से सही तैयारी की गई है, क्योंकि सेंटर के बाहर की भी गाइडलाइंस थी? हाँ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेनिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। हाँ, लेकिन बाकी तो पेरेंट्स। अच्छा, और जैसे आप पहली बार अभी मास्क और ग्लव्स पहन के एग्ज़ाम देंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि इसकी वजह से थोड़ा नर्वसनेस होगी, थोड़ा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है? हाँ, थोड़ा ग्लव्स पहन के पेन पकड़ना थोड़ा दिक्कत तो होगी। अच्छा, तो आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस की घर पे? हाँ, थोड़ी बहुत करी है, और भी एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, और जैसे काफ़ी बड़ा मूवमेंट चला था स्टूडेंट्स का कि एग्ज़ाम को और पोस्टपोन किया जाना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी पोस्टपोन किया जा गया था, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार का सही डिसीजन है अब एग्ज़ाम करा? बिल्कुल राइट डिसीजन है ये गवर्नमेंट का। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतने ही जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी वेट करना पड़ेगा, इसलिए। और एक्स्ट्रा स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। हाँ, इसलिए सही है जो किया, सही लगता है। हाँ, ठीक, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।